हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। भैया ऐसा है कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही मज़े में हूँ क्योंकि आज है हमारी नई कार की डिलीवरी और हम आ चुके हैं Hyundai शोरूम के बाहर। मैंने जिसको सरप्राइज़ रखा था कि मैं कौन सी कार ले रहा हूँ, किस कंपनी की कार ले रहा हूँ, बट अभी एक छोटा सा जो सरप्राइज़ था वो रिवील हो गया कि मैं Hyundai की कार ले रहा हूँ, है ना। बाकी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। पेरेंट्स के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, पापा, मम्मी, भाई, मेरा कज़न, बाकी हर्ष भी यहाँ पे और आकाश विथ हिज इक्विपमेंट इज हेयर। आज होने वाली हमारी नई कार की डिलीवरी। कौन सी कार होने वाली है उसके लिए आपको ज़रा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल शोरूम के अंदर जाते हैं, कुछ सिग्नेचर वगैरह काम करने। पेपर वर्क ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बट छोटी मोटी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करते हैं। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय कार। कार अभी तक वर्कशॉप से शोरूम पे आई नहीं है। एसेसरीज वगैरह फिटिंग हो चुकी है, उसमें मज़ा आने वाला है। तो गाइस, हमारी नई कार आने वाली है एंड आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड। और ऊपर से जय भी आया हुआ है अपने होम टाउन से। ही इज़ आर लकी। हम जब भी वीडियोज़ में आता है, हमारी वीडियो सच में बहुत चलती है। एक्जैक्टली भैया की वीडियोज़ बहुत चलती है। एंड भैया ने क्या कार का नाम बता दिया क्या? नहीं, नाम अभी तक नहीं बताया, वो छोड़ दो, सरप्राइज है। मैं बताऊं क्या? नहीं। हम अभी पहले घुसे, बोले अरे तो रेनॉल्ट का शोरूम है, आगे होगा। फिर आगे बढ़े, अरे तो MG हेक्टर का शोरूम है। फिर एक आदमी से पूछे भैया Hyundai का शोरूम कहाँ है, तो ऐसे मुड़ा ना तो उसका H लिखल था यहाँ पे आगे। जी तो करंट अपडेट ये है कि गाड़ी हमारी यार्ड पे लगी हुई है। अभी तक शोरूम पे आई नहीं है बिकॉज में कुछ एसेसरीज वगैरह फिट हो रही है। उसके बाद शोरूम पे जब कार आएगी ना तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आज काफ़ी सारी कार्स की डिलीवरी है बिकॉज आज है जगन्नाथ पूजा 1 जुलाई। तो आज बहुत शुभ दिन है इस कार की डिलीवरी लेने का। तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको पीछे दिख रहा होगा और भी काफ़ी सारी कार्स की डिलीवरी यहाँ पे होने वाली है। अभी तो भैया की नई गाड़ी आने वाली है, इनसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मेरे को हो रही है। सिंपल सा बात है भाई, ये लड़का i10 को 160 भगाता है। आज आकर्ष कार ले रहा है, उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज है 1 जुलाई, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है क्योंकि आज है जगन्नाथ पूजा। तो आज हमने गाड़ी की डिलीवरी को स्केड्यूल किया। तो गाड़ी यहाँ रांची में करीब 15 दिन पहले ही अवेलेबल हो गई थी, बट हमने डिलीवरी को आज के दिन के लिए स्केड्यूल किया 1 जुलाई को, क्योंकि मुझे चाहिए था कि बर्थडे के आसपास, यानी कि बर्थडे के दिन ही मुझे डिलीवरी लेने का मन था, यानी कि कल। आई एम नॉट श्योर ये ब्लॉग आप कब देख रहे हो। तो 2 जुलाई को है मेरा बर्थडे एंड टुडे इज़ 1 जुलाई। तो हमने सोचा कि आज ज़्यादा शुभ दिन है, जगन्नाथ भगवान का दिन है आज, तो आज ही के दिन गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं। हमारी डिलीवरी 2 कार्स के बाद है। अभी आप देखो 1-2 कारें हैं जो कि वहाँ पर लग रही है, उसके बाद हमारी कार डिलीवरी होगी। कार बिल्कुल मेरे सामने शोरूम में कार आ चुकी है। एसेसरीज जो कि मैंने बताया वो ऑलरेडी उस पर फिटिंग कर दी गई है। क्लीनअप का काम चल रहा है और पॉलिशिंग का काम चल रहा है, और उसके बाद होगी कार की डिलीवरी। यार मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बहुत टाइम हमने वेट किया। i10 हमने खरीदी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, उसे 10 से 12 साल हो चुके i10 खरीदे हुए, और उसके बाद ये वाली कार आई थी। तो 3rd कार मेरे बर्थ के समय हमारे पास मारुति स्टीम थी। आई नो मैं थोड़ा सस्पेंस बिल्ड कर रहा हूँ, बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट, है ना। ऑल राइट जी, तो फाइनली आवर कार इज़ हेयर। क्रेटा SXO टॉप मॉडल क्रेटा हमारे पास आ चुकी है वाइट कलर में। तो ये था वो सरप्राइज़ को पिछले मैं 6 महीने से दबा के रखने की कोशिश कर रहा था। तो आवर कार इज़ हेयर। पहली बार अपने कार में बैठने की जो फीलिंग है ना, उसके बारे में आपको क्या ही बताऊँ। सो दिस इज़ द इंटीरियर। यार क्या सुपर्ब इंटीरियर्स हैं इसके, इसने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया था। बाकी फुली ऑटोमेटिक कार है, तो ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, फुली डिजिटल डिस्प्ले। सो दिस इज़ द टॉप एंड मॉडल। बाकी यहाँ से मैं मोड्स वगैरह भी चेंज करके आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द कम्फर्ट मोड राइट नाउ, और यहाँ से मैं डायल से इसे चेंज करता हूँ। इट कम्स डाउन टू इकोनॉमी मोड, नाउ द स्पोर्ट्स मोड। आहा, इस पर कार ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और होगा। खैर फिलहाल इसको अभी रहते हैं हम कंफर्ट मोड में, जिस पे ये पहले से थी। बाकी सुपर्ब लग रही है ये कार। तो गाड़ी शोरूम से बाहर आ गई है। बड़ा पंगा ये हो गया कि बाहर हो रही है बड़ी तेज़ बारिश। अभी तो खैर डिलीवरी वीडियो था, बाकी इसकी पूरी फीचर्स, पूरी डिटेल, क्यों मैंने क्रेटा ली, और बाकी एक अपना आपके भाई का बी रोल भी आने वाला है अपनी क्रेटा को लेकर के, है ना। बारिश रुकती है तो हम घर के लिए निकलेंगे। पता नहीं यार मुझे अभी चलाने मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पापा को बड़ा मन है चलाने का और मुझे i10 लेकर के बाकी लोगों को लेकर के जाना है। तो क्या कर सकते हैं, नहीं मिलेगा आपको गाड़ी वहाँ पे। अभी पापा दे दीजिए यार। हाँ गाड़ी दे देंगे चलाने के लिए, चलाओगे तुम्हें स्मूथ चल रहा है। अपनी गाड़ी को मैं पहली बार चला रहा हूँ और ये जो फीलिंग है, ओ माय गॉड, आई डोंट नो। 6 महीने मैंने इंतजार किया आफ्टर बुकिंग, कब मेरे पास मेरी गाड़ी आए और मैं इसे चलाऊँ। फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग ऑटोमेटिक कार, क्योंकि क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल टॉप एंड मॉडल है और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, पेट्रोल ऑटोमेटिक, और फर्स्ट टाइम मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ। दादी मेरे साथ है, बाकी पापा अभी चला कर आ रहे थे, आधे रास्ते से मैंने चेंज कर लिया कार को। हल्का सा एक्सीलरेटर पे पावर डालो ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये गाड़ी कुछ धमाल कर सकती है, मतलब बिल्कुल। बाकी पापा आगे चल रहे हैं और मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये फीलिंग अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मुझे मन था क्या, पापा भी बहुत अच्छा से चला रहा था। आकाश तो खैर लग ही नहीं रहा है कि पहला गाड़ी चला। कार ऑलमोस्ट सेम है माँ, कार ऑलमोस्ट सेम है, बस गियर नहीं है इसमें, ठीक है, ऑटोमेटिक चल रहा है बस। इतना लंबा गाड़ी, बड़ा गाड़ी है, फिर भी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सिन्हा परिवार में क्रेटा की एंट्री हो चुकी है एंड दैट इज द रीजन कि उसका नाम हमने क्रेटा सिन्हा रखा है। तो गाड़ी घर पे आ चुकी है और ये चीज़ इतनी ज़्यादा खुशी लेकर के आई है ना घर में कि आपको मैं बता नहीं सकता। अभी सारे लोग नीचे कार के पास ही हैं, पापा और भाई भी कार के अंदर ही बैठे हुए। मैं सोचा ब्लॉग को फटाफट से निपटा देते। बाकी आज के ब्लॉग में आकाश ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट शॉट्स आकाश ने ली जो कि आपने इस ब्लॉग में देखा। तो थैंक यू सो मच आकाश, अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो, वैसे तुम देख रहे होगे, तो थैंक यू सो मच भाई। और बाकी मुझे सच में नहीं पता ये ब्लॉग किस तरीके से शूट हुएगी, बिकॉज मेरा आधा से ज़्यादा दिमाग तो कार में ही लगा हुआ था। बाकी काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा अपने क्रेटा सिन्हा के ऊपर, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स और क्यों मैंने उस गाड़ी को चूज़ किया, बाकी और कौन कौन सी गाड़ी जिसको मैंने कंसिडर करा था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सजेशंस दी थी मुझे, बट स्टिल आई पिक्ड क्रेटा, और इसके पीछे भी एक कहानी वो आपको अगले ब्लॉग में हम बताएंगे। बाकी अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं गाड़ी को लेकर के तो आप कमेंट में बता सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं कि अगली वीडियो के टॉपिक्स क्या रहेंगे, है ना। और बस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं फटाफट जाऊँगा अभी गाड़ी में, बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत गाड़ी वगैरह पोंछना भी है, नई नई मिली गाड़ी है हमारे, तो उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। खैर अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक करके जाइएगा, और आप पहली बार मेरे चैनल पर आना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला आगे कॉन्टेंट पर आपको। तो फैमिली के साथ जुड़ जाइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इट्स फ्री यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो आप, है ना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बाय बाय, टेक केयर।